कौन नेता को ज्यादा कर दिया, कौन नेता कथी कर दिया है, कोई नेता कुछ नहीं करा। घर द्वार बा उजरल बाटे, पानी धोले वाली घर पर तो कहाँ कोनो नेता दे दी बाटे एगो रुपया कोनो। हमरा सके तो कुछ न भेल तो हम सब कैसे कही से मोदी जी अच्छा कहलन, नीतीश जी अच्छा कहलन, कुछ होबे न कहलक तो कथी कर। महंगाई कहाँ से कम लई, 300 रुपया रोज हो के चाहिए, 400 रुपया गरीब के कमाए वाला, 50 रुपये चाउर हो गए तो कथी से गरीब जीते। उ सब हो कल पैसा वाला के, गरीब के कुछ न होकल, गरीब वोट से जीत जाला या पैसा वाला आगे बन जाले। इस बार जो अच्छा करेंगे उसको वोट देंगे। पूरा बिल्कुल नाराज है, पूरा नौकरी खा गए हुए हैं, पूरा रेल हर चीज प्राइवेट कर दिए हुए हैं। मंदिर से हमने का पेट भरा ही था, मंदिर से मंदिर बन गया, कितना करोड़ों अरब वहाँ लग गया। ठीक है, हम लोग पूजा नहीं करते आज तक, आज मंदिर बना तो हम लोग पूजा कर रहे हैं, एक अलावा पूजा नहीं करते थे। एगो ढकोसला कौन चीज के डांग का, गरीबी हट रहा है, दूर कराया जा रहा है, पेट भर जाएगा 5 kg राशन से। इस पर टैक्स बना गया, GST लगा, GST के गरीब के लोग कौन उपाय है। को भर दीजिएगा मुन्ना शुक्ला को, जो एक जात को नीचे दिखाना चाहता है। देखिए वो तो हमारी मर्जी की बात है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ गिरेंगे, कहाँ डूबेंगे, अभी आपको हम लड़ाई कैसे कर दें। अच्छा, वो जो बोला वो गलत बोला कि नहीं बोला ये बताइए। आप भी जो बोलिएगा वो भी सुनेंगे, वो भी बोलेगा। अच्छा, मुन्ना शुक्ला जो शब्द बोला तो गलत बोला या सही बोला? वो गलते बोले, ठीक है, लेकिन मुझे अभी झगड़ा नहीं करना है किसी से। झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए, सही बात एकदम कहलो, झगड़ा नहीं करे के एकदम नहीं। चाप मान रूप जो इच्छा मेरा होगा वही मैं करूंगा, या एकदम सही बाबा। बस क्या एकदम एकदम आपको वोट के मारेंगे चोट, अभी काम नहीं करेगा फॉरवर्ड के नोट। मोदी जी बार बार कहते हैं कि ऊपर देखिए, मतलब हमें देखिए, आप बिना जी को नहीं मोदी को देख के वोट करिए। मोदी जी नहीं पसंद है आपको? सब हम टोटल आदमी पसंद है। अच्छा, लेकिन जनता को क्या रिबेट मिलना चाहिए, उतना रिबेट नहीं मिल पा रहा है। क्या रिबेट नहीं मिला? कि रिबेट है कि अब कोटा में चावल देता है, ऐसे खाने लायक नहीं होता है, सबसे पहले वो बेचना ही पड़ता है इमरजेंसी में। वो हर बार चुनाव में, पिछली बार आप याद करिए तो लगातार बोलते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो रोजगार 2 करोड़ हर साल मिला या नहीं मिला इतना बताइए। हम लोग का तो बिजली का हम 3 फेज लाइन चलाते हैं सर, और नीतीश जी के राज में इतना ना पावर फैक्टर उसमें बढ़ गया कि महंगाई बढ़ गया। महंगाई नहीं, वो मीटर चार्ज बढ़ा दिए तो जो हम लोग का 13 बिजली बिल बढ़ गया, ये कहिए। नहीं, उसका फिक्स चार्ज बढ़ गया। ठीक, 1300 रुपया पहले हम लोग का लगता था, अब 4042 रुपया हमको देना पड़ रहा है, और इसका बिल जोड़ के एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो हम लोग तो बेरोजगार हो रहे हैं। हम रोजगार कहाँ से मिला, बेरोजगार हो रहे हैं जी। हम 10 साल 2010 से हम मोटर चलाते हैं, 50 लाख रुपया सरकार को हम कमा के दे दिए सर, और सरकार एको लोन हमको दिया है। हमारा 3 फेज अभी मेरा लाइन क्लियर है, लेकिन पूंजी नहीं है कि हम बैठे हुए हैं। अच्छा, बड़े प्रोस्पेक्टिव में बात किया जाए, मोदी जी का मुद्दा है राम मंदिर, राम मंदिर उन्होंने बनाया, हर मंच से बोलते हैं, 370 उनका मुद्दा है, राम मंदिर के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, आप मोदी को वोट नहीं करेंगे? नहीं, हम हिंदू मुस्लिम क्या, कहने का मतलब है देश का सुरक्षा चाहिए, देश मजबूत रहे, वैसा नेता चुना जाएगा जो देश को सही से चलाएगा। मंदिर के नाम पे दाल नहीं गलेगा इस बार ना, मंदिर क्या मस्जिद क्या, इंसान 1947 में देश आजाद हुआ था सर, तो सब आदमी का योगदान था, सबका योगदान था, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई योगदान नहीं था, सब आदमी योगदान करके देश को आजाद किया था, तो उसमें नागरिक का अधिकार। हम वैशाली की बात करें, जो कि आप यहाँ के स्थानीय हैं, तो क्या लगता है कि बिना देवी जी फेल कर गई यहाँ पे? ये तो हम अनुमान नहीं लगा सकते। काम के मामले में, काम के मामले में तो हमको कुछ नहीं, हम तो 10 साल से हम चला रहे हैं आटा चक्की, हमको टैक्स बढ़ गया, शिक्षा बढ़ गया, हमको तो अपने आप को बेरोजगार हो गए हैं। जातीय रुझान को देखा जाए, जितने शाह होते हैं या अपर कास्ट होते हैं, सब मोदी मोदी करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात इस बार आप लोग भी नाराज हैं। अब देखिए, आपके बल पे मोदी जी आए, युवा के बल पे मोदी जी आए। मोदी जी के एक बात कहते हैं, मोदी जी ठीक है, कानू है या तेली है, हाँ। उस हमको मतलब नहीं है, हम लोग साहू जी है, लेकिन ये वो केदार गुप्ता मुजफ्फरपुर में टिकट दिए साहू जी का, दूसरा कोना के टिकट दिए है, वो एक भी कुशवाहा को भी नहीं दिए बीजेपी से, कुशवाहा का उप मुख्यमंत्री शरणराज चौधरी है कि नहीं, लेकिन टिकट नहीं दिए क्या, हम लोग का क्या किए, हम लोग का मतलब क्या,
हम लोग कहाँ कोई नेता चुने हैं, ना कोई उम्मीदवार बनाए, ना एमएल बनाए, ना एमपी बनाए, ना कुछ बनाए, कुछ नहीं, कुछ नहीं बना पाए। जो केदार गुप्ता हुए, हम लोग का साउजी बहुल क्षेत्र है, कुरहनी विधानसभा, उससे वो जीतते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, युवा हैं और इसी युवा के बल पे मोदी जी आए थे 14 में 19 में। कचरी की फ्लोरी की दुकान है यहाँ पे, किनका दुकान है भाई? आप ही का दुकान है? हाँ। उधर जा सकते हैं? जाइए। आप ही का दुकान है? हाँ। तो चल रहा बढ़िया दुकान उकान? चल रहा है। कमाई उमाई हो रही है? अच्छा, क्या आप और क्या इस मोहल्ले में कितना काम किए मोदी जी का, कितना काम हुआ? कौन नेता को ज्यादा कर दिया, कौन नेता कथी कर दिया है, कोई नेता कुछ नहीं करा बताइए ना। बीना देवी 5 साल से यहाँ सांसद, घर द्वार बा उजड़ल बाटे, पानी धले वाली घर पर, कहाँ कोनो नेता दे दे बाटे एगो रुपया कोनो। हाँ। आप पकौड़ा तलिए रहे, मोदी जी बोले पकौड़ा तलना भी रोजगार है। आप इस पे बोलिए आवाज आएगा, बोलिए ना आवाज आएगा। अब उधर आए हम, उधर बोलिए, आप अच्छा बोल रहे हैं, रुकिए आराम से बोलिए, क्या तकलीफ है, आराम से बोलिएगा ना, तब ना सुनेगा, सब लोग सुनेगा। उसको ये बताइए, इधर सुनिए, इधर लगाइए, वो औरत बोलेगा, जाइए। आप भी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं आप, नेता बनिएगा, सुनिए। हाँ, एकदम नेता बना दीजिए। बीना देवी 5 साल यहाँ रही, कितना काम की आपके हिसाब से? आप भी जनता है, घर में पानी धले वाली वही पर आइए, रोड पर बारी है, पानी टांग के रही है, बनाई कहाँ को नेता दे दिल एगो रुपया। आप मालिक हैं? मालिक है आपका, तो 10,000-20,000 रुपया मिलता है, तो आप घूमते हैं सर के, तो सब महिला लंग, सब मर्द लंग दौड़ते हैं। किसको मिलता है पैसा? आपके। कौन देता है? नेता लोग देता है तब न दौड़ते हैं, हम लोग का कौन एक रुपया देने वाला है, एक कप चाय को नहीं देने वाला है। देते हैं मीडिया वाला पैसा लेके काम करता है? मकान तो मोदी जी दिए हैं पूरा। हाँ पूरा। कितने लोग का है इसमें? इसमें मेरा अकेला है, अकेले। हाँ, मोदी जी तो 1.5 लाख देते हैं, तो बनाए 10 लाख का घर। 1.5 लाख दिए हैं तो मेहनत का कर किया है, स्टार्ट करने के लिए दिए ना शुरू में। क्या नाम पहले बताइए? नाम मुनचुन दास हुआ। मुनचुन दास जी हैं जी। तो क्या लगता है आपको कि मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है, आप लोग कैसे देखते हैं? बोले रोजगार देंगे, मकान हर घर पक्का हो जाएगा, है ना, 15 लाख रुपया देंगे। दिए तो सब कुछ ठीक है किए हैं, लेकिन अभी 2 चीज में गलती चल रहा है। क्या चल रहा है गलती? वो बोलते हैं कानून उनका कहाँ है, मतलब बेटी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, लोग के मन बढ़ा रहे हैं। क्या सोच के इस बार आप लोग वोट करेंगे? और नीतीश कुमार है तो वही है, दारू बंदी पूरा, आप पूरा लोग पिए रहा है। कहाँ है नीतीश कुमार? चालू करना चाहिए क्या चाहते? नहीं, हमको चालू नहीं करना चाहिए, बंद हो जाए, कड़ाई से हो, कड़ाई से हो, गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। आप 15 दिन पर एक दिन प्रशासन यहाँ भेजेगा, 15 दिन पर एक दिन हुआ भेजिए, तंग करता आप लोग को है? तो इसे प्रशासन तंग करता है, प्रशासन आता है तो घर में से उठा के ले जाता है। किसको बार? एक बार तो हमको भी ले गया था बिना मतलब का। घर सुनिए ना, वोटवा किधर दीजिएगा, इसे क्या मन में है? वोटवा के लिए अब सब लोग विचार करेगा, वो हिसाब से दिया जाएगा। क्या बीच मतलब मोदी जी के प्रति रुझान है, चूँकि बीना जी यहाँ सांसद रही है, कितना काम की अब काम उनका नहीं बता रहे? पढ़ा लिखा नहीं है, पुर्जा हम थाम लिए हैं, सही बात है, पुर्जा नहीं दिल में क्या, ये हमको बताइए, पुर्जा तो सभ्य आएगा देगा, सब ने पुर्जा देगा भाई, मन में तो है मोदी जी पर, अभी नहीं मोदी जी के बारे में सोच रहे हैं इस बार ना, एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं। मंदिर उन्दिर बना दिए हैं सब, मंदिर बन गया तो हम लोग तो गए नहीं। लेकिन कहने का मतलब है, सब लोग बोल रहा है ना, सुनिए ना, लेकिन सब बोल रहा है कि रोजगार 2 करोड़ बोले नहीं दिए, और बोला महंगाई आसमान छू रही है, तो आपको क्या लगता है कि रोजगार दिए मोदी जी कि नहीं दिए, महंगाई क्या कहेंगे? देखिए रोजगार मिला, रोजगार लाइक हम, रोजगार लाइक हम रहेंगे तब ना रोजगार मिलेगा। अरे भाई, तो जो लायक है तो उसी को दीजिए ना, तो हम नालायक है उसको कहाँ कोई मांग रहा है? हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ। जो बचा रहे हैं अपना हिसाब से चल रहे हैं, जैसे मोदी जी अपना चलते हैं। कहना जो लोग लेकिन सब पढ़ लिख रहा है, तो वैकेंसी आएगी तब ना लोग फॉर्म भरेगा, वैकेंसी ही नहीं आएगी, हजारों करोड़ों लोग पढ़ लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं सब जो है बेकारे है ना, बेकार कैसे है, सब अपने अपने जगह पर बोले लायके नहीं है, हजारों करोड़ों लोग लाइक हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आएगा फॉर्म भरेंगे फिर उनको जो है नौकरी मिलेगी, वैकेंसी कौन देगा?
मोदी जी देंगे कि हम देंगे या आप देंगे? मोदी से थोड़ा देंगे, नहीं उनसे नहीं हो पाएगा, जब होगा तो कहते के सांसद से विधायक से हर चीज से होगा, वो खोजेंगे तब ही। आप बात को नहीं समझ पा रहे हैं, मन में क्या है, किसको वोट दीजिएगा बोलिए? ऐसा कोनो बात है, जेकरा लोग देते विचार होते वही लोग के वोट मिलते, जे अब आगे अजगन से अच्छा काम करता थी उनका मिलते वोट। पिछला 10 साल से मोदी जी हैं तो वो काम अच्छा किए हैं कि काम नहीं अच्छा? हमरा सके तो कुछ न भेल तो हम सब कैसे कही से मोदी जी अच्छा कहलन, नीतीश जी अच्छा कहलन, कुछ होबे न कहलक तो कथी कह। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम जो है रोजगार दिए 2 करोड़, आप लोग को राशन देते हैं फ्री में, फ्री में मोदी जी खाते हैं तो उनको वोट नहीं दीजिएगा आप? राशन मोदी के दिल खाइले हम सब, ऐसा बात नहीं, राशन मिली थी सिलेंडर सस्ता हुआ, सिलेंडरों सस्ता भेल है। कितना सस्ता है? 950 में मिला ले, 300 सब्सिडी वाले, 650 में सिलेंडर मिला ले। हाँ, अभी सस्ता हो गया ना, अभी नु भेल है ये अखनी इलेक्शनवा के चलते। इलेक्शनवा खत्म होते ओकरा बाद के न पता चलते, तो से अच्छा अखतिए जनता कहले न चेत लेते, जेकरा मर्जी करते ओकरे देते वोट। मोदी जी महंगाई कम नहीं हुआ? महंगाई कहाँ से कम लगी ना, 300 रुपया रोज हो के चाहिए, 400 रुपया गरीब के कमाए वाला, 50 रुपये चाउर हो गए तो कथी से गरीब जीते? लेकिन सब रोजगार वगैरह नौकरी उकरी मिला, जे लड़का जेकरा घर में पढ़ल लिखल है ओकरा पढ़ाइयो लिखा दिली तो 2 लाख 4 लाख भेलक न से घूसे न देम से हम लड़का के नौकरी कराए, नौकरी नहीं मिल रहा है, कहाँ से मिलल है? हम मोदी जी बोले मंदिर उन्दिर बना दिए हैं तो मंदिर के नाम पे नहीं दीजिएगा ना, मंदिर पे ना उ सब हो कल पैसा वाला के, गरीब के कुछ न हो कल, गरीब के वोट से जीत जा ला या पैसा वाला आगे बन जा ले। तो मोदी जी से नाराज है आप लोग? मोदी जी से नाराज न थी, मोदी के खा के हम सब न गुने वाला थी, ऐसा बात न, इतना बात बोल भी दिए लेकिन मोदी जी को ही वोट दीजिएगा? जो अच्छा करेगा उसको वोट देंगे, इस बार जो अच्छा करेंगे उसको वोट देंगे। चलिए, तो ये माहौल है, महिलाएं हैं, फर्टाइल है, वजह है महंगाई को लेके, चूंकि घर इनको संभालना पड़ता है ना। की होले चाचा? मंदिर से हमने पेट भरा था, मंदिर से मजबूत नहीं करिएगा, सुनिएगा तब ना सर, मंदिर बन गया कितना करोड़ों अरबों वहाँ लग गया, ठीक है, हम लोग पूजा नहीं करते आज तक ले, घर में फोटो नहीं रखे हैं कोई चीज का है, फोटो हम लोग आज मंदिर बना था, हम लोग पूजा कर रहे हैं, एक अलावा पूजा नहीं करते थे, एगो ढकोसला है, एगो नौटंकी, देखिए हम लोग मजदूर आदमी है, जो लाइन में रहते हैं वो लाइन लाइक है, महका के किसी का धोखा नहीं देना चाहिए, आशा में पड़ जाते हैं, आशा में हम लोग आशा में पड़ जाते हैं कि हाँ सरकार कहें ये धंधा करेंगे वो धंधा करेंगे। तो मोदी जी बोल रहे हैं दुनिया देश में डंका बज रहा है। हाँ, कौन चीज़ का डंका? गरीबी हट रहा है, दूर कराया जा रहा है, गरीबी बोले मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबी मिटाने आया हूँ। अच्छा, सिस्टम हटोले जाई बड़ी बोल के, गरीब का बेटा हूँ, गरीब के गरीबी हटा रहे हैं, कोमना हिसाब से हटा रहे हैं, 5 kg राशन दे के पेट भर जाएगा 5 kg राशन से। इस पर जो टैक्स बढ़ा गया, किसमें टैक्स? इसमें क्या टैक्स है? टैक्स है क्या? टैक्स है, पहले खरीदे थे कई रुपया में, अभी खरीद रहे हैं कब? GST लगा के, बस बस GST लगा, GST के गरीब के लोग कौन उपाय है? जाते का माने 300 रुपया मिलता, कहीं 200 मिलता है, कहीं 250। इस बार क्या सोचे हैं, किसको वोट करना है? जो हम लोग का दिमाग नजर पड़ेगा उनको देंगे। मोदी जी इसलिए नाराज हैं? हाँ नाराज हैं, बदला लेंगे, महंगाई का, हाँ बेरोजगारी का, हाँ सब, गरीब का कौन चीज चाहिए, कौन सुविधा सर? अभी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार, इंदिरा आवास भी बंद हो गया, इंदिरा आवास कोई वो बना है? अभी देखिए इंदिरा आवास कोई वो बढ़ रहा है? इंदिरा आवास, युवा इधर आओ, अग्निवीर दिया मोदी जी, मोदी जी अग्निवीर दिया, खुश नहीं हो तुम लोग अग्निवीर से? इंदिरा आवास कोई वो बना है? अभी पूरे बंद हो गया, इंदिरा आवास बंद हो गया, हाँ अब देखिए कोई को बन रहा है, 3 साल से नहीं आ रहा है, बस बस सर वही हम लोग का, अब कहिया बनेगा? और लैकन सबको दे दिया अग्निवीर। अच्छा, अब महिला लोग के अथी हिसाब बढ़ गया, जैसे कि जाइए स्कूल में पढ़ने जाइए, बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन का अधूरे पर रह जाएगा महिला लोग चाहे और मर्द लोग, यही बात है। तो रोजगार को लेके बोल, रोजगार नहीं मिल पा, झूठों के महीना 3 महीना युवा से बात करते हैं, युवा सब हर हर मोदी घर घर मोदी करके मोदी जी को 10 साल पहले लाया,
जो हकीकत है, तो युवा का है नाराज है भाई, क्या दिक्कत हो गई? अग्निवीर मोदी जी तो दे रहे हैं। अग्निवीर से कोई खुश है? 4 साल के नौकरी से किसी को क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। नाराज है आप लोग? पूरा बिल्कुल नाराज है। नौकरी खा गए? पूरा नौकरी खा गए हुए हैं, पूरा रेल हर चीज प्राइवेट कर दिए हुए हैं। चलिए, तो ये लोग थे, हमने बातचीत करने का प्रयास किया है कि इस बार वैशाली में क्या होगा, और साथ ही साथ मोदी जी को लेके लोग फर्टाइल हैं, पूरी बात अपनी रखे हैं, पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, वैशाली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।